जा रहे हैं कहाँ? सरस्वती बोले थे कि बारिश हो रही है, मैं भी कह ही रहा था क्यों भैया, फिर हमने सोचा छूट जाता तो मुझे पता, मुझे फिर चौथी बार भी आना पड़ता। चले जाएंगे नारद कुंड, वहीं पे था जहाँ पे हम रुके थे। आपको चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, शहर से ना तो घबरा जाएगा इन झाड़ियों में, ऐसी हैं ये ट्रैक है वो। फिलहाल हम अभी नहीं जा रहे, सरस्वती कुंड की ओर जा रहे हैं हम। ताल एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था भाई जी। कहाँ से हैं आप? हम तो केरला से। इनके लिए देखना इस वीडियो को, बस यहाँ तक आ गया वापस जाएगा। ये है दोस्तों, तो जी वापस से एक नई डेस्टिनेशन, यहीं से भगवान रुद्रनाथ से आगे हम जा रहे हैं कहाँ, सरस्वती कुंड, जो कि यहाँ से थोड़ा ही दूर है, आई थिंक 1 किलोमीटर के अराउंड है। तो अभी जब पहले तो भैया बोल रहे थे कि बारिश हो रही है, मैं भी कह ही रहा था क्यों भैया, फिर हमने सोचा कि चलो चल ही लेते हैं। क्यों? बारिश तो पूरे रास्ते में है ना। बिल्कुल, तो जब हमने इतना 24 किलोमीटर से ट्रैक बारिश में करना है, हाँ गीले तो होना ही, हमने कर लो क्या दिक्कत है। वही तो, तब सरस्वती कुंड भी देखा था, और वैसे भी ना मेरा इस बार ये भी था कि मैं सरस्वती कुंड भी जाऊँगा, और इस बार भी अगर छूट जाता तो मुझे पता, मुझे फिर चौथी बार भी आना पड़ता। कब का प्लान बनता, लेकिन मैं आना नहीं चाहता हूँ। अब मैं भगवान रुद्रनाथ जी को बोल दिया कि भगवान बहुत है मेरे लिए, बस आप तो आओगे इस हिसाब से कि जब मौसम थोड़ा ठीक है ना। बिल्कुल, और सुबह निकल लो। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलो सागर से, यहाँ मतलब 5 बजे तक यहाँ पहुँच जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, सब ठीक है। और ये देखिए जी, अभी अभी भी कोहरा दोबारा लगना शुरू हो गया, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, और हमारा सफ़र है अब सरस्वती कुंड की ओर। रास्ता काफ़ी क्या बोलते हैं इसे, खतरनाक है, पतला सा रास्ता है, बगल में खाई जा रही है नीचे इन पौधों से, नीचे फूल लगे हुए हैं सुंदर सुंदर, देखिए ऐसे फूल आप कहाँ देखने को मिलेंगे। तो मैं नहीं मिस करना चाहता था सरस्वती कुंड को, मेरा मन कर ही रहा था कि भाई जाना है तो मतलब जाना है। अब लोग जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं लोग, हाँ यार काफी लोग जा रहे हैं रे, हाँ देख लो आस्था। यही तो सरस्वती झंडा लगा हुआ है। तो सरस्वती कुंड, एक यहाँ पे सूर्य कुंड है वहाँ नीचे, वो पास ही में है, वहाँ भी अभी चले जाएंगे। नारद कुंड वहीं पे था जहाँ पे हम रुके थे। हाँ जी, कुछ है मतलब सूर्यकंड को लेके कोई स्टोरी है? हाँ, देखो जोंक। ओ बेटा दोस्तों, जोंक देखो, ये देख लो खून चूस जाती है, बहुत बड़ी है ये। जब भी चलो इन पहाड़ों में, खासकर बरसात के मौसम में, हमेशा चेक करते हुए चलो अपने पैरों को, क्योंकि एक बार अगर लग गई ना ये गलती से भी, तो तुम्हारा ऐसा खून चूसेंगी ना ये, रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। लोग बोलते कई कह रहे कुछ नहीं होता हमारे लिए तो नॉर्मल है ये वो ना, पर ऐसा कुछ नहीं। क्यों भैया? जो छोटी जोंक होती है ना, हाँ उससे दिक्कत नहीं होती है, पर बड़ी वाली ये कितनी बड़ी है? बड़ी बड़ी है तो बहुत बड़ी बड़ी है यार। छोटी जोंक में बस होता है कि वो इतना छोटा होता है, वो तो उसमें हल्की खुजली होती है। बिल्कुल, फिर वो निकाल के फेंक दो, उसको कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार, और एक एक कुंड वहाँ भी है नीचे, वो कौन सा होगा? वहाँ दोस्तों उस नीचे एक बुग्याल है, वहाँ पे भी एक कुंड है। तो आपको मतलब पहाड़ों में ना, देवभूमि में, आपको चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, आपको बहुत से ऐसे कुंड, लेक, ताला, ताल वगैरह मिल जाएंगे, जिनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। और पाजी करेंगे फोटोग्राफी। चलो यार, दोनों की है महान। कितनी सुंदर घाटी है यार ये, कितनी सुंदर घाटी है यार ये, है ना? इस समय मैं फील कर रहा हूँ आई एम वेरी लकी, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसी ऐसी जगहें देख लेता हूँ यार। मतलब
आज के इस कलयुग में किसको टाइम मिलता है ऐसी जगहों पे जाने का, है ना। और देखिए दोस्तों, इस वैली में फ्लावर भी खिले हुए हैं बहुत सुंदर सुंदर, ये देखिए। और यहाँ पे एक अलग ही खुशबू का एहसास हो रहा है हमें, बहुत ही ऑक्सीजन जैसे बोलते हैं उसमें एक खुशबू सी आ रही है। और ये देखिए जी अब रास्ता, तो वीडियो को देखते रहिएगा एंड शेयर भी करिएगा। रेन झाड़ियों में डर भी लग रहा है यार, बहुत बड़ी बड़ी हो रखी हैं झाड़ियाँ। अब तो डर कोई नया बंदा आएगा ना, कोई नया आएगा कोई बाहर से शहर से ना, तो घबरा जाएगा इन झाड़ियों में। ऐसी हैं ये, इतनी घनी है। कहाँ से कहाँ से, यहीं से है यार। ये नीचे कहाँ से, अच्छा ओहो मैं भी कहूँ नहीं, रास्ता ये भी जाता है, ये वो है जहाँ वो ब्रह्म कमल लेने जाते हैं। हैं तो ब्रह्म कमल लेने चलते हैं, चलो। हाँ ऊपर है पता, उस चोटी पे जाना पड़ेगा, उस चोटी पे। बाकी मेरे को लगता है चौथी बार आना ही पड़ेगा अब ब्रह्म कमल की। ये ब्रह्म कमल वाला रास्ता है, तभी यहाँ पे फूल ऐसे दिख रहे हैं, रास्ते की अलग ही पहचान है। भाई जी सरस्वती कुंड इधर ही, ये रास्ता कहाँ जा रहा है जहाँ हम जा रहे थे? ये ऊपर नंदी कुंड, ये नंदी कुंड जाता है। दोस्तों ये रास्ता जहाँ पे अभी हम गए थे ना, ये नंदी कुंड जाता है। कितने किलोमीटर का ट्रैक है? हाँ यार बड़ा होगा यहाँ से ट्रैक काफी, घुस गए थे ना अभी गलत। एंड अभी यहाँ पे रख दो, नहीं तो यहाँ पे क्या 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 नंगे पाँव जाए, नंगे पाँव वहाँ पे बहुत कीचड़ है यार, फिसल रहे हैं वहाँ पे बहुत। हाँ तो आप घास ही घास में जाओ। अरे छोड़ो देखी जाएगी, घास घास में चलते हैं भैया, चलो जूते हाथ में दे। हाँ हाँ तो जी काफ़ी कीचड़ हो रखा है बारिश की वजह से, बरसात कंटिन्यू हो रही है कल से। ये देखिए सरस्वती कुंड से आ गए लोग, कैसा कुंड है भैया वहाँ? अरे भाई यार एकदम मस्त की जाके देखो। हाँ सही में, हेलो जी वो कितना कीचड़ है यार, जूते अंदर धस रहे हैं पूरे, है ना, दलदल तो नहीं है यहाँ कहीं, पता चल रहा। नमस्कार हो गए जी, सरस्वती कुंड की ओर जा रहे हैं हम, ताल ताल कुंड। ऊपर ताल सरस्वती ताल, फू कितनी सुंदर वैली है यार ये, है इतना भयंकर फिसलन है ना, फिसलन इतनी ओहो, गया था मैं अभी अभी गिर गया था, पैर ना जमा के रख रहे हैं बिल्कुल। ओह फूल है पर यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर खिले हुए, हम तो खना रास्ते जा रहे हैं, ऐसे ही रास्ता है क्या करें, वापस कैसे आएंगे? वापस के लिए और टफ हो जाता है, वापस में तो हमारी हालत पंचर हो जाएगी। उसी रास्ते से सही था यार, वहीं से अंदर झाड़ी में घुस जाना था हमने। हाँ झाड़ी में घुसते हम पे जोंक, वो भाई साहब ये देखो यार कितना बेकार रास्ता है यार, ये क्यों आए? कीचड़ वाले शूज भी बनाए कोई किसी कंपनी ने ट्रैकिंग के लिए तो बना रहे। अरे साहब लोग पहुंचे कैसे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। ओहो ये लड़कियां पहुंच गई वहां, तो हम क्यों नहीं पहुंचेंगे? हाँ वही देख रहे हैं हम भी। हम कहाँ से आप लोग? हम
घाट कल गया था मैं वहाँ बैरास कुंड परसों। अच्छा, बैरास कुंड मैंने वीडियो भी डाली है वहाँ की, देखना। चैनल का नाम ट्रैवलिंग राणा जी, देखना जरूर, लिख लेना अगर नाम भूल जाए, जी भी लिखना साथ में। हेल्दी फ्लर्ट्स करने चाहिए। तो जी फाइनली पहुंच गए हैं हम, कहाँ, इधर से आ जाओ भैया, देखो ना, फाइनली 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 हम पहुंच गए हैं। वाओ सरस्वती कुंड, हेलो, तो कैसे पहुंचे यहाँ, सही पहुंच गए? कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था भाई जी। कहाँ से हैं आप? हम तो केरला से। केरला? जी। सो फार बहुत दूर से आए यार ये, इनके लिए देखना इस वीडियो को जरूर। तो अभी यही था आपका यहाँ का ट्रैक बस, क्यों और भी कहीं गए? रुद्रनाथ और बस यहाँ तक आ गया, वापस जाएगा। बहुत, अब जाओ वापस, आओ नहीं तो नमस्कार हो जाओगे रुद्रनाथ भगवान को ही। अच्छा बहुत बढ़िया, केरल से, केरला से आए हैं यार वो, बहुत दूर से आए हैं। ये है दोस्तों सरस्वती कुंड, पहले तो मैं आपको ये देखिए जी, सरस्वती कुंड, यहाँ से चलते हैं, मैं आपको दिखाते हैं। वाह यार मजेदार है ना? हाँ बहुत सही, बहुत सुंदर है। वैसे जितना कीचड़ देखा ना अभी, मन कर रहा था वापस चले जाएं, लेकिन ये कुंड देख के दिल को सुकून मिल रहा थोड़ा। बहुत बहुत सुंदर। क्यों, आप कहाँ से? मैं, हम तो इधर चमोली से। अच्छा चमोली से ही आप, ठीक ठीक ठीक। ये है दोस्तों सरस्वती कुंड, और खूबसूरत वादियों में घिरा हुआ है ये कुंड। नीचे सुंदर सुंदर बुग्याल हैं, और हमने सरस्वती कुंड का ट्रैक भी कर लिया है। तो गाइज यही था हमारा सरस्वती कुंड का वीडियो, रुद्रनाथ से सरस्वती कुंड का एक छोटा सा ट्रैक है ये, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सही है, 1 किलोमीटर से भी थोड़ा कम ही होगा, और लेकिन कीचड़ से भरा था आज बरसात के मौसम में। और यहाँ से ऊपर एक रास्ता नंदी कुंड के लिए जाता है, और वहीं से ऊपर ब्रह्म कमल के लिए भी जाता है, 4 किलोमीटर का ट्रैक है वो। ब्रह्म कमल अगर आप लेने जाना चाहते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि बरसात के मौसम में ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, हालत ख़राब हो जाएगी ऊपर पहुँचते। और फिलहाल अभी हम चलते हैं वापस, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा, रुद्रनाथ की जितनी भी वीडियोस हैं मेरी जो मैंने शूट करी हैं इस बार की, तो वही है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़, ट्रैक ट्रैवलिंग वीडियोज़ देखने के लिए। मैं मतलब अपनी ओर से पूरी कोशिश किया करूँगा कि नई नई जगह एक्सप्लोर करूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अभी मुझे वापस भी जाना है, भैया भाग गए हैं, मैं अकेला छूट गया हूँ। एक बार इन खूबसूरत वादियों का आखिरी नज़ारा ले लो यार, मुझे वहाँ जाना है संदीप इन ट्रैक से, लेकिन क्या करूँ, नहीं जा सकता, तो चलते हैं।